वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। वेलकम, आपको मौका देंगे कि भाई पिछला सेशन जो हमने लिया था गुरुवार को, वो मूड माय चीज, मेरा चीज किसने हटाया, तो उसके बारे में आपको क्या शेयर करना है, उसके बारे में क्या बोलना है, तो आप बोल सकते हैं, है ना। उसके बारे में क्या शेयर कर, उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं और मैं आपको अनम्यूट करूंगा और बोलने का मौका दूंगा कि पिछले सेशन से आपको क्या समझ में आया। यस, एनीबडी? सचिन, यस सचिन, आप थे पिछले बार, तो पिछले सेशन से आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि स्टोरी, हाँ, त्या स्टोरी सारखं मला माझं जीवन वाटलं। त्या स्टोरी मध्ये सुद्धा ते फक्त त्या विश्वात रमलेले होते आणि माझं सध्या, मी स्कूलला जॉब करतोय, शाळेला जाणे, हिंदी में बोलो, हिंदी में, ओके, स्कूल जाना, स्कूल से रिटर्न आना सर, उसके अलावा कुछ लगता ही नहीं है, और उसके अलग जाके कुछ करना होगा ऐसा लग रहा है मुझे भी। यानी अभी आपको आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी अलग करना चाहिए? यस यस यस, हाँ, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं, बाकी बहुत टाइम है अपने पास, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि उसके बाहर जाके भी कुछ करना चाहिए। यस, हाँ, अभी जैसे सब जगह पे सर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग हो या प्राइमरी स्कूल हो, हर जगह पे स्टूडेंट के प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन बाद स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, उसमें क्या होगा? हाँ, उसकी वजह से कुछ अलग सोचना चाहिए, इसकी मुझे उस स्टोरी से कल्पना आई, आइडिया आई। ओके, गुड, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत लिमिटेड हो गए सर, लिमिटेशंस बहुत आ गए अपने इस पे। राजेंद्र मुळे आप थे पिछले बार, राजेंद्र मुळे आप थे पिछले बार? हाँ सर, मैं पिछले बार था ना सर। हाँ हाँ, बोलिए। तो मैंने ये देखा कि वो चेंज करना बहुत जरूरी है, जैसा आपने जो एग्जांपल बताए थे, एचएमटी एम्बेसडर का और प्रीमियर पद्मिनी, तो और एसटीडी पीसीओ जितने भी जो भी था वो आज कुछ भी नहीं है, तो हमको भी वो चेंज करना पड़ेगा। और दो 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 स्टोरी बताई थी, ये वो चूहे की और वो एक आदमी की, तो वो उनको वो मिलता है तो वही वही पर वो रुके हुए रहते हैं, और ये चीज क्या है ये पता ही नहीं था अभी तक, तो एक मुझे एक वो ओपन अप हुआ। अच्छा, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे वो चेंज करना जरूरी है सर, ये मुझे पूरे सेशन में ओपन अप हुआ सर। ओके, यस, सुनीता जी बोलिए, सुनीता। हाँ, कोई आसानी से मिलती है तो अपन बहुत आलसी हो जाते हैं, उन लोगों को चीज आराम से मिल रहा था तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, आलसी हो गए थे कि चलो मिल रहा है खा रहे, वो सोच भी नहीं रहे थे फ्यूचर का या आगे पीछे, कुछ भी नहीं सोच रहे थे। अगर कुछ जैसे आप अपने लाइफ में देखो, मेरा क्या कहना है कि आप अपने लाइफ में देखो, लाइफ में क्या हो रहा है ना, लाइफ में भी हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, आराम से वही जिंदगी जी रहे, वही उठना, वही खाना बनाना, वही सब कर रहे, और आगे का सोचते नहीं कि कभी कुछ होएगा तो क्या करेंगे, पर ये हमको भी करना है, ये आप रियलाइज हुआ लास्ट वाले उससे कि चेंज होना जरूरी है। अभी हम लोग वही कर रहे हैं जो रोज, मतलब सालों से वही कर रहे हैं जो हो रहा है, रोज उठना, खाना बनाना, पूजा करना, मंदिर जाना, बाजार जाना, ये सब। कादंबिनी, कादंबिनी बोलो, कादंबिनी आपका हाथ ऊपर है। हाँ सर जी, लास्ट सेशन में मैं थी सर। हमने ये देखा था कि आपने दो लोगों के बारे में बताया, मतलब दो चूहे थे और दो आदमी थे, दोनों के ही बारे में जो प्रकृति चल रही थी अप्रोक्सीमेट दोनों की सेम तरीके से चल रही थी, कि पहले तो उन्होंने काफी कोशिश करा जब तक उनको उनकी चीज मिली नहीं, बट जैसे ही उनको उनकी चीज मिल गई उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उनमें आलसी प्रवृत्ति आ गई, उनमें मतलब वो अपने आप को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया एक तरीके से, उनको लगा कि उनकी लाइफ अब कटने वाली है, सारी चीजें इजिली वे में हो जाएंगी, पर एक्चुअल में यही होता है कि हमें ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आज हमारी चीज कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चीज है कि जॉब मिल गई मतलब सब मिल गया, या पैसा मिल गया मतलब सब मिल गया, ज्वेलरी आ गई मतलब सब आ गया, कितना भी कुछ भी हो सकता है, हमें लाइफ में कभी भी रुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम एक चीज पाते हैं तो फिर हमें दूसरी चीज को ढूंढने के लिए आगे जाना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। बराबर जी। हेलो सर,
कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इस वेबिनार का नाम हु मूड माय चीज क्यों रखा है, तो मैं बोलना चाहता हूँ किताब का नाम है हु मूड माय चीज, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखित है, जिसमें दो चूहे और स्नीफ एंड स्करी, दो चूहे और हाउ एंड हेम, दो आदमी, इनकी एक कथा टाइप, मतलब थोड़ा सा उनका बताया गया है। और उसमें आगे शॉर्ट में मैं कंक्लूजन बताता हूँ अभी तक क्या हुआ कि भूलभुलैया है यहाँ पर, भूलभुलैया और चीज ऐसे दो चीजें हैं। भूलभुलैया मतलब जहाँ आप चीज ढूंढ रहे हो, और चीज मतलब आप अपने जिंदगी में जो ज्यादा पाना चाहते हो। देखो ना मैं ये बता रहा हूँ कि देखो दो चूहे की कहानी है ये, मतलब ये हू मूड माय चीज, ये मेरा चीज किसने हटाया, ये किताब है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, इन्होंने ये किताब लिखी हुई है। ये किताब के 28 मिलियन कॉपीज, मतलब 2,80,00,000 कॉपीज बेच चुके हैं वो, उनका अभी देहांत हो गया 2017 में। और ये किताब से हमको बहुत सीख मिलती है, बहुत सीखना मिलता है। और चेंज जो है, चेंज हमारा टेंशन जो है वो कम करेगा, प्रेशर कम करेगा। ये प्रोग्राम हमने रखा है स्ट्रेस फ्री इंडिया, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी, जो हम तैयार करने जा रहे हैं उसके माध्यम से, उसके जरिए। तो आदमी को चेंज यदि नहीं रहा तो सुधरेगा नहीं, अच्छा नहीं होगा। म्यूट कर चलो पर अभी हमको क्या करना है कि चेंज जरूरी है, और चेंज करना कोई चाहता नहीं, चेंज किसी को नहीं चाहिए। लोग बोलते जो चल रहा वो चलने दो, तो अभी चेंज नहीं किया हमने तो क्या नुकसान होता है हमको दिखना चालू हो जाएगा। हम जब चेंज नहीं करते तो कितना नुकसान है। अभी ये दो चूहे हैं स्निफ एंड स्करी, तो ये दो चूहे जो है ना भूखे प्यासे रहते हैं और वो अपना खाना ढूंढने के लिए वो भूल भुलैया में जाते हैं, भूल भुलैया में। तो क्या करते हैं, वो उठेंगे, जॉगिंग सूट पहनेंगे, शूज पहनेंगे, और दौड़ते दौड़ते वो भूल भुलैया में मेज में अंदर जाएंगे। और अंदर जाके वो देख रहे थे, हमने देखा पिछले बार, तो ढूंढते उनको बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिल गया, बहुत बड़ा चीज स्टेशन। चीज मतलब चीज जो बनाते हैं ना, चीज बटर मसाले वाला चीज, वो है वो मूड माय चीज में, चीज बटर मसाले वाला चीज जो हम खाते हैं वो चीज, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो उनको मिला और वो बहुत खुश हो गए कि भाई हमको चीज मिल गया है, ठीक है ना। और वो खाते थे, सुबह उठते थे, जाते थे वहां, खाते थे चीज, वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर खाते थे, फिर वापस आते थे। और वो ऐसा रोज का उनका दिनक्रम, दिनचर्या चालू थी। उन्होंने क्या किया, बोले रोज घर से उठेगा कौन और वहां तक जाएगा कौन। तो अपन ऐसा करते, वो मेज के बाहर ही अपना घर बनाते हैं, यानी जाने का आने का कष्ट भी नहीं है, तो वो बाहर ही अपना घर बना लेते, वहीं मकान है, वहीं दुकान है, खाना खाना वहीं है और वहीं रहना है, ऐसा रोज करते थे वो। और उन्होंने क्या किया कि अभी अपने को दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने वो शूज वगैरह अपने संभाल के घर में लटका के रखे, क्योंकि तो दौड़ने की जरूरत नहीं, अब सामने घर है, चीज सामने है, और जाना खाना वापस आ जाना। अभी इनके साथ साथ दो आदमी भी थे, इनका नाम था एक का हॉ और एक का नाम था हेम। ये दो आदमी भी खाना ढूंढने के लिए वो मेज तक आ गए, और वो मेज तक आने के बाद में वो ढूंढे उनको भी वो चीज स्टेशन मिल गया कि जहां बहुत बड़ा चीज था, इतना बड़ा स्टॉक था, वो उनको मिल गया। और वो भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने भी वहां खाना खाया, ढकार दिया और वापस आए। वो भी सोचे कि रोज उठो, जूते पहनो, कपड़े पहनो, ट्रैकिंग सूट पहनो, दौड़ो और दौड़ते दौड़ते जाओ, इसके बदले अपन वही मकान बना लेते हैं। वो भी अपना मकान, वो जो भूल भुलैया रहता है उसके बाहर वो मकान बनाते हैं और वहीं रहना चालू कर देते हैं। रोज सुबह उठना, अंदर घुसना मेज में, वहां जाना, चीज खाना, पेड़ भर चीज खाना, ढकार देना, पानी पीना, वापस आ जाना, ऐसा रोज का इनका कार्यक्रम चालू था। अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं ये किताब, इसमें देखना है कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपको लाइफ में देखना है, अभी आपके लाइफ में क्या हो रहा है, तो उसके लिए ये सब प्रोग्राम है, उसके लिए वर्कशॉप है कि हम हमारे लाइफ में क्या करते हैं। तो भूल भुलैया मतलब जहां आप चीज ढूंढ रहे हो, तभी हमको क्या करना है, हमारे लाइफ के बारे में करना है। हम चीज कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम चीज हमारा ढूंढ रहे हैं सोसाइटी में, हमारे समाज में, हम चीज ढूंढ रहे हैं हमारे फैमिली में, हम चीज ढूंढ रहे हैं हमारे कंपनी में जहां हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं,
हम चीज ढूंढ रहे हैं होल वर्ल्ड में, हम चीज ढूंढ रहे हैं लायंस क्लब में, हम चीज ढूंढ रहे हैं रोटरी क्लब में, हम चीज ढूंढ रहे हैं, हम जहां भी जाते हैं कोई पार्टी में जाते हैं, बड़ा मकान खरीदते हैं, जो भी आपको मतलब चीज कहाँ ढूंढते, हम बाहर चीज ढूंढते रहते हैं। और चीज मतलब आपके लिए क्या है, तो आपके लिए आपने देखना है आपके लाइफ में चीज मतलब हो सकता है आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा जो आप पाना चाहते हैं, जॉब, एजुकेशन है ना, शिक्षा, शिक्षण, बिजनेस, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, ये आप पाना चाहते हैं। और ये कहाँ पाना चाहते हैं आप, ये पाना चाहते हैं आप सोसाइटी में, बिजनेस में, परिवार में, अपने लाइफ में, ये आप पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमको देखना है अभी कि आप कहाँ करते हैं, आपके लिए आप जिंदगी में एक चीज का मतलब क्या होता है। तो मैंने पिछले बार बोला कि आप डालो कि इसका मतलब आपके लिए क्या होता है, तो लोगों ने डाला था पिछले बार कि किसी के लिए पैसा चाहिए, किसको बिजनेस बढ़ाना है, किसको हेल्थ अच्छी करना है, किसको रिलेशनशिप चाहिए, वो उसका चीज है, ऐसा उसका ये होता है। ठीक है ना, फिर हम देखेंगे आपके पास जब चीज है तो आप खुश रह सकते हैं, जब आपके पास में जब जो चीज है तो आप खुश रह सकते हैं। कौन सा चीज, आपके पास में पैसा है तो आप खुश हो जाते हो, आपके पास में घर है तो आप खुश हो जाते हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो आप खुश हो जाते हो, आपके पास में वो है तो आप खुश हो जाते हो। जैसे वो दोनों एम और हा दोनों खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा चल रहा है, खाओ पियो मस्त सट खाओ और सट सो जाओ, और स्निफ एंड्स करी, दोनों भी खुश थे कि भाई खाओ पियो मजा करो और अपना टाइम पास करो। हम भी वैसे ही करते हैं, हमारे पास में जो आपको मिल चुका है वो आपके पास में है तो आप बहुत खुश हो जाते हो और एकदम बेफिक्र हो जाते हो, बहुत ही बेफिक्र हो जाते हो। ठीक है, जब आपके पास में जो है तो फिर क्या हुआ, यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो फिर हुआ क्या, यहां तक समझ में आया होगा, इसमें से किसको कुछ बोलना है, इसको कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं आपका हाथ ऊपर करके, कि आप अपने लाइफ में देखना है, आपको आपने आपके लाइफ में देखना है कि आपका चीज क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हो और कहाँ ढूंढ रहे हो, है ना, आप कहाँ ढूंढ रहे हो, समाज में ढूंढ रहे, फैमिली में ढूंढ रहे, बाहर ढूंढ रहे, कंपनी में ढूंढ रहे, या आप सर्विस करते हैं, या आप बिजनेस करते हैं, कहाँ ढूंढ रहे आपका चीज, और आप चाहते क्या हो, तो ये आप शेयर कर सकते हैं कि आप चाहते क्या हो और आप कहाँ ढूंढ रहे हो, और आप भी एकदम कंटेंटेड हो गए, है ना, इतना समझ में आया होगा। या सुनीता जी लिखते हैं हेल्थ, और वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, आप अपने में ढूंढ रहे हैं हेल्थ। यस प्रमिला जी, आप क्या चाहते हैं, अनम्यूट करो, अनम्यूट, हाँ हाँ सर, क्या चाहते हैं, जो मिल रहा है और जो मिल रहा है और आप सेटिस्फाइड है। देखो आपको जो चाहते हैं वो मिल रहा है और आप सेटिस्फाइड है, वो हेम और हॉक को क्या है, मिल गया था जो चाहते हो और वो सेटिस्फाइड हो गए थे, अरे यार बहुत है, बोले बहुत बड़ा स्टॉक है, बोले देखने का कोई कारण नहीं है। हम क्या कहते हैं, अभी अपनी हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त मजा चल रहा है, पैसा अच्छा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर अच्छा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कुछ हम फिर करते नहीं है क्योंकि जो चाहिए वो मिल रहा है। तेरा करुण डॉक्टर बोलता है ना, एक सर का, एक सर का चीज, हम सक्सेस चाहते हैं जिंदगी से, हाँ मगर मिल रहा है आपको सक्सेस और आप खुश है, नहीं फिर भी और ज्यादा चाहते, हाँ मगर जो है उसमें क्या होता है कि जो भी आपको मिल रहा है ना, अपना अपना देखो उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हम जो मिल रहा है ना उसमें हम खुश हो जाते, बोलते बराबर सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम बेफिक्र हो जाते हैं। जैसा वो स्निफेंट्स करी जो है वो बेफिक्र हो गए, वो हेम एंड हा है वो बेफिक्र हो गए, बोले इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है, बोले अपने पास में कोई चिंता का काम ही नहीं, अभी अपने को जिंदगी भर ये पूरेगा, और फिर हम वो एरिया में बेफिक्र हो जाते है ना, बेफिक्र हो जाएंगे, ठीक है मस्त चल रहा है ना, बोले अभी सब तो ठीक हो रहा है ना, समझो अभी मेरी हेल्थ है, अभी मेरे हेल्थ में मेरा वजन ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तो मैं क्या हो रहा, मैं बेफिक्र हो जाता,
बिजी रहता हूँ, फिर खाना पीना सेट, खाना सेट सोना सब ये करना, एक्सरसाइज नहीं करना, और फिर एक दिन फटाक से मालूम पड़ जाता है कि बाप रे अटैक आ गया, एक दिन फटाक से मालूम पड़ जाता है कुछ तो भी बीमारी होगी। फिर डॉक्टर बोलते है कि नहीं नहीं अभी तुमको एक्सरसाइज चालू करना पड़ेगा, और फिर हम एक्सरसाइज चालू कर, तब तक बेफिक्र है ना। तो हम बेफिक्र कहाँ हो जाते हैं वो भी आपको देखना है कि जो चाहिए वो मिल रहा है और आप अभी बेफिक्र हो गए। तो हर चीज के लिए सतर्क रहना है, वेट भी मेंटेन करना है, पैसा भी कमाना है, सक्सेस भी होना है, किसी चीज के लिए समाधानी नहीं रहना, करते रहना करते रहना। हाँ नहीं नहीं मगर आपको देखना क्या है कि जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिल चुकी है ना, वो आपको मिल चुकी है और आप बेफिक्र हो गए। हाँ बेफिक्र हो गए, मिल रही ना, बोले अभी अभी क्या करना है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो देखो अभी आपको ये देखना है आज कि कौन सी चीज में आपको बेफिक्री हो गई है ना। क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, हम बोलते सब तो चल रहा है ठीक, मस्त चल रहा है ना, कोई फिक्र नहीं, कुछ कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, हम बेफिक्र हो जाते हैं। एक दिन घर पे जाते हैं, घर पे वाइफ ही नहीं है, वो कहाँ गई, बोले मायके चली गई। क्यों, बोले आप आते हैं धर्मशाला जैसा आते हैं, खाते पीते बाहर निकल जाते हैं, चिंता ही नहीं, आपने शब्द है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और गड़बड़ हो गई। आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अपनी बेटी जो है ना वो बहुत अच्छी है और वो कुछ नहीं करेगी, बेफिक्र हो गए, वो बराबर जा रही आ रही, कॉलेज में जा रही, सब कुछ कर रही, एक दिन मालूम पड़ जाता है कि अरे वो भाग गई है ना, बेफिक्र हो गए। बेफिक्र नहीं रहना है, अलर्ट रहना है हर जगह। नहीं नहीं तो अभी आपको देखना क्या है कि आप कहाँ बेफिक्र हो गए वो देखो, अभी कौन से एरिया में आप बेफिक्र है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अभी क्या देखने की जरूरत है ना। रोहित बोलिए, रोहित लग रहा, रोहित बोलो। हाँ सर, सर वैसे तो मैं MR हुए, बट कैसा है एक दो सालों से मुझे यानी काफी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, यानी मेरे मेडिसिन भी शुरू है। और सर अभी कैसा है रिसेंटली मेरा वेट है जो बहुत बढ़ गया है, अभी टेंशन में कभी कभी बहुत कुछ खा लेता हूँ मैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। हाँ मतलब आप क्या हैं, आप बेफिक्र हो गए हेल्थ के बारे में, बस वो पकड़ो, अभी वो पकड़ के रहो। कैसा हेम एंड हाँ दोनों भी आदमी बेफिक्र हो गए कि भाई हमको अभी जिंदगी भर खाने को मिलने वाला है, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र हो गए, बहुत बड़ा चीज है बोले कोई देखने की जरूरत नहीं, बेफिक्र हो गए, ठीक है ना, समझ में आया। सुनीता जी, सुनीता जी बोलिए। हाँ सर, मैं दो तीन जगह मुझे दिख रहा है, एक तो मेरे जो मनी है इनकम आ रही रेगुलर, उसके लिए मैं बेफिक्र हूँ, और मेरा बेटे के लिए उसका बिहेवियर उसका नेचर एकदम अच्छा है, वो अच्छा ही है, बस उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, उसके लिए मैं बेफिक्र हूँ। और मेरा हेल्थ में मेरे रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, वेट इसलिए बेफिक्र है, लेकिन मेरे रिपोर्ट इतने नॉर्मल है सर कि मुझे आश्चर्य। एग्जैक्टली देखो अभी मेरा कुछ कहीं पेन नहीं है, कहीं कुछ नहीं होता मुझे, फिर वेट मेरा इतना ज्यादा है, बस एग्जैक्टली आपने बराबर पकड़ लिया कि आपके सब रिपोर्ट नॉर्मल है और अभी आप हेल्थ के लिए बेफिक्र हो गए हैं, हालांकि आपका वजन बहुत ज्यादा है पर तभी भी आप बेफिक्र हो गए है ना। मैं आपको उस दिन भी एग्जांपल दिया कि एम्बेसडर गाड़ी, बेफिक्र हो गए एम्बेसडर कंपनी कि अपनी गाड़ी मस्त चल रही है, बहुत सेल हो रहा है, कोई फिक्र की चिंता नहीं है। देखो ना अपना दूरदर्शन, दूरदर्शन टीवी जब चालू हो गया तो एक ही चैनल था दूरदर्शन, एक ही आता था आमची माती आमची मानस, संध्याकाळी कार्यक्रम लगाए है ना, बेफिक्र थे कि कुछ होने वाला है नहीं, मस्त अपना चल रहा है, बहुत रेवेन्यू आ रहा है, बहुत प्रॉफिट में कंपनी है ना। अब कोई देखता भी नहीं दूरदर्शन, बेफिक्र हो गए, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को नए नए चैनल चालू नहीं किया, अभी इतने चैनल्स हो गए, इतने अलग अलग प्रोग्राम चालू हो गए,
कि वो तो कोई देखता भी नहीं दूरदर्शन, और घाटे में चल रहा है। एसटी महामंडल बेफिक्र है, चिंता नहीं है, बड़ी बड़ी बसेस आ गई, रात रानी आ गई, अच्छी बर्थ वाली बसेस आ गई, है ना, तो बस एसटी लॉस में है, पगार भी दे पा रही है अभी, अब तो स्ट्राइक पे चले गए, पगार नहीं मिल रही है। और उनको लगता है कि अपना कौन बिगाड़ सकता है ना। भावना गौतम, आपका ऑडियो चालू नहीं, भावना उनको लिखो, व्हाट्सएप करो ये मैसेज, भावना गौतम को मैसेज डालो कि उनका ये चालू नहीं है ऑडियो। यस सचिन, सचिन एक बात ऐसी लग रही, अभी मैं हैंडीकैप स्कूल पे वर्क करता हूँ सर, डिफेंड हम बच्चे रहते वहां पे, दो साल हो गए अभी, हॉस्टल सभी बंद है, हमारी पेमेंट चालू है। हाँ सबको लगता है पेमेंट तो चल रही है, लेकिन दो साल में लोग फ्री नहीं रहे थे सर, हमको बच्चे ढूंढना पड़ता है सर, क्योंकि अभी कैसे है कि ये डेफ एंड डम बच्चे मिलते नहीं है। हाँ जैसे सभी का प्रॉब्लम है, फिजिकल बोलो कि मेडिकल के बोलो इंजीनियरिंग के लोग बच्चे मिलते नहीं, वैसे हमारे भी बच्चे मिलते नहीं, हमको सर्वे करना पड़ता है आंगनबाड़ी में वगैरह जाके, लेकिन दो साल में सबके पेमेंट आ रहे, लोग बिंदास्त हो गए, आते हैं जाते कुछ नहीं करते। मैं उनको पता था कि आप करना पड़ेगा, खेती वालों को खेती में बोएंगे तभी तो उगेगा, अभी बच्चे ढूंढी नहीं रहे तो बच्चे का स्ट्रेंथ कम हो गया सर दो साल में, ये प्रॉब्लम वो हो रहा है हमारे बीच में, हम बिल्कुल बिंदास्त है, बेफिक्र है, लेकिन जब स्कूल चालू होंगी स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी, फिर बाद में प्रॉब्लम चलेगा सर, अभी कम्फर्ट जोन में ठीक आ रहा है। ओके ओके हम कम्फर्ट जोन में, एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, मैं जेट एयरवेज का, जेट एयरवेज कंपनी बहुत पैसे कमा रही थी, बहुत प्रॉफिट में थी, मस्त चल रहा था, बेफिक्र हो गए, जेट एयरवेज कंपनी बंद करनी पड़ी, कोरोना लग गया तो और प्रॉब्लम में आ गई। ट्रेवल कंपनियां बेफिक्र हो गए, तो बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा कमा रहे, कोरोना आ गया, ट्रेवल कंपनी जो वाला पिट गया, उन्होंने बोला आपने क्या कौन करता, बोले बहुत मस्त चल रहा है ट्रेवल कंपनी, मतलब कोरोना से जो जो लोग बेफिक्र थे कि भाई ये अपन धंधा जो कर रहे हैं, ये जो धंधा कर रहे हैं, ये धंधा चलेगा क्या आज से 10 साल तक, आज से 10 साल तक यही अपने को पैसा मिलेगा क्या, आज से 10 साल तक ऐसे इनकम आते जाएगा क्या, सोचे नहीं। अच्छा होटल चल रहा है, बस मस्त चल रहा है, बोले होटल बंद, कोरोना आ गया तो दिवाला पीट दिया लोगों, मतलब कब क्या हो सकता मालूम ही नहीं है। जिम, मूवीज, थिएटर्स, है ना, मतलब आपको क्या कब होगा मालूम ही नहीं है। घर में कमाने वाला आदमी है, 1 लाख रुपए तनख्वाह आ रही है, बोले अपना मस्त चल रहा है, खाना पीना कौन क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है, और घर का आदमी मर गया कोरोना में, बेफिक्र थे, सब अच्छा आ रहा है, एकदम रोड पे आ गए, आदमी मर गया बेफिक्र, मालूम ही नहीं, कभी हमने ये सोचा भी नहीं कि समझो मैं मर गया तो मेरे 2 बच्चे और बीवी ये गुजारा कैसे करेंगे, है ना, ये गुजारा कैसे करेंगे, सोचा ही नहीं, मर जाएंगे सोचा ही नहीं, प्रॉब्लम आ गया। आपको समझ रहा सब, तो हमको आगे बढ़ना है, और ये चेंजेस के जो है वो चेंजेस के लगे उतने एग्जांपल दे सकते हैं कि लोग बेफिक्र हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास में जो चीज आपके पास में है तो आप खुश रह सकते हो, और आप खुश रहते भी है, और आप चिंता करते नहीं है। अभी क्या हो गया, अभी जब एक दिन ये स्निफ एंड स्करी जो है, स्निफ एंड स्करी वो वहां गए, सुबह सुबह गए, अंदर घुस गए वो मेज में, और चीज के स्टेशन के पास में जाके पहुंचे, और वहां चीज गायब हो गया था, वहां चीज ही नहीं था। अरे बाप रे, अभी कैसा, चीज ही नहीं, और एकदम शॉक्ड, एकदम शॉक्ड हो गए, अरे बाप रे, चीज ही नहीं है, गायब, चीज गायब, चीज ही नहीं, और चीज नहीं है, तो वापस दोनों भी आगे की चीज नहीं है, अभी क्या करेंगे, भूखे प्यासे पेट, एक जन चिल्लाया उसमें का डिफेंस करी में का, हु मूड माय चीज, इट्स नॉट फेयर, मेरा चीज किसने हटाया, कौन लेके गया, ये बराबर नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसा हो गया है, क्या ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा वो चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्लाते बाहर आ गया। और वैसे ही हेमेन हॉ बाद में वो गए, उनको भी दिखा कि वहां चीज नहीं है,
और वहां जाने के बाद में वही है कि ये कैसा हो गया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मेरा चीज किसने हटाया, ये अन्याय है, वापस लेकर आ जाओ, ये चलेगा नहीं, हम भूखे कैसे मर सकते हैं, हमको चीज हमारा होना ही है, हमारा अधिकार है, हमको वापस होना, ऐसा कैसा हो सकता है, मेरा लक खराब है क्या, भगवान तूने ऐसा कैसा किया, मेरा चीज किसने हटाया, जोर जोर से चिल्लाने लगे दोनों भी, और चिल्लाते ये वापस आ गए। आपका भी देखो आपके लाइफ में क्या होता है, एक दिन गायब हो जाता है और आप बोलते हैं अरे बाप रे मेरा चीज किसने हटाया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मेरे पास में आते रहते हैं। एक वो गर्लफ्रेंड आती है, मालूम ही नहीं पड़ा, बोले मेरा बॉयफ्रेंड वो लड़की के साथ में कब चले गए, अरे बाप रे मेरा चीज किसने हटाया मालूम ही नहीं पड़ा। या लड़की आती है, लड़का आता है कि लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, एक दिन उसने फोन लेना ही बंद कर दिया, और फोन लेना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मेरा चीज किसने हटाया, यह अन्याय है, या ऐसा कैसा हुआ, अरे भाई तेरे को मालूम नहीं पड़ा, ये तेरी गलती है, 15 दिन से 1 महीने से 2 महीने से पहले ही वो लक्षण दे रही थी कि मैं जाने वाली हूं, तूने देखा नहीं, तूने सोचा नहीं कि जा सकती है करके, एक दिन चली गई वो, अभी चिल्ला के क्या फायदा है, तेरे को पहले मालूम नहीं पड़ा ये चीज हटने वाला है करके, अभी चिल्ला के क्या करेगा। यस, इसके ऊपर आप क्या कहना है, रियलमी कौन है, आपका नाम बताइए, हाथ ऊपर है आपके, यस बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए, नाम बताइए आपका, कहाँ से है। अनीश कुमार गिरी सर। हाँ जी, 2-3 महीने से जो है मतलब मेरे साथ जो है एक प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं अभी आपको है ना, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक के इसमें ही आपको बोलने का है ना, जो टॉपिक चल रहा है, और हमारा एक सेशन जो है वो 9:15 है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कोई सेक्स का प्रॉब्लम है, सेक्स काउंसलिंग है, सेक्स वेबिनार है, मतलब सब ये 9:15 का कार्यक्रम है, तो उसमें फिर आप आ सकते हैं। जिसको सेक्स काउंसलर बनने का है उसने भी तब आने का है, अभी बाकी कोई भी बात बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके बाद में बात करेंगे, ऐसी मेरे सबसे रिक्वेस्ट है ना। यस महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार बोलो, म्यूट करो। हेलो, यस बोलिए। हाँ जी नमस्ते। हाँ सर, मैंने आज आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो मेरा तो यही कहना है। हेलो। हाँ हाँ जी सर। हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, बेफरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेस देना चाहिए। नहीं, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है, मैं आपको और किसी को बोलता हूँ बोलने के लिए। अरुण अग्रवाल जी बोलो, अरुण अग्रवाल। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा मेडिकल शॉप है, जैसे मैंने बोला था आपको, तो बिजनेस में कंपटीशन आई, मेरे को दिख रहा था, लेकिन मैंने कुछ चेंज किया नहीं, मैंने कुछ दूसरी जगह बिजनेस देखा नहीं, या दूसरा कुछ इनकम सोर्स क्रिएट किया नहीं, तो अभी मुझे वो सिचुएशन में कि ट्रैप हो गया हूं। हाँ, तो मुझे अभी चेंज करना बहुत जरूरी। हाँ, अभी मेडिकल शॉप है आपका, मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास में एक पेशेंट आ गया बहुत ही डिप्रेशन में, और वो केमिस्ट ही है, केमिस्ट है वो। क्या हो गया, उसका दुकान अच्छा चल रहा था, करीब करीब 10,000 से 15,000 रुपए का काउंटर चालू है, पता ही नहीं चला। एक दिन उसके सामने ही मेडिकल शॉप खुला और उसका काउंटर आधा हो गया। मेरा चीज किसने भगाया, मेरा चीज किसने हटाया, ऐसा कैसा हो सकता है, उसने नहीं डालना चाहिए मेरे सामने शॉप, ऐसा कैसा कर सकता है वो, है ना, यहाँ कॉम्पिटिशन क्यों, बाकी तो पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, वहां क्यों नहीं जाते लोग, मेरे सामने क्यों शॉप डाला, अभी मेरा कैसा होगा, मेरा धंधा चौपट हो रहा है। बराबर, तो मुझे अभी चेंज करना ही पड़ेगा। अभी देखो कितना समय चल गया, अभी उसने शॉप डाल दिया लोगों ने, और आपने तैयारी नहीं किया,
कि भाई मेरे सामने कोई भी आदमी शॉप डाल सकता है तो मेरा धंधा आधा हो जाएगा। बराबर है ना, सिटी में तो अभी ऑनलाइन का भी बहुत चलन चल गया है, 30-35% डिस्काउंट मिलता है। यस 50% तक डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन में, बहुत डिस्काउंट मिल रहा है ऑनलाइन में, लोगों के घर पहुंच दवाई मिल रही है, तो उसके वजह से बिजनेस कम हो गया है। कम हो गया, तो ऐसे बहुत बिजनेसेस एकदम कम हो गए, बंद ही हो गए, है ना, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तो दिखते भी नहीं है। यस रमेश जी लड्डा बोलिए। हाँ मेरा भी सर ऐसा ही हुआ बिल्कुल, मेरा सिनेमा का व्यवसाय था, 90 तक बहुत धूमधाम से चला, 90 में बिल्कुल बैठ ही गया, और मेरे पास वैसे वो किराए थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं 1952 से वो सिनेमा चल रहा हूँ तो बिल्डिंग शायद मेरी हो जाएगी, लेकिन हालात थे कि ऐसा हो गया मुझे सिनेमा भी छोड़ना पड़ा और धंधा भी बंद करना पड़ा, मैं दूसरा कोई बिजनेस नहीं सोचा, मैं खाली बैठा हूँ। मतलब आपके ऊपर कब बरस जाएगा कुछ ये समझ में नहीं आएगा, और आप तैयारी करते नहीं है, है ना, तैयारी नहीं करते, वो मूड माय चीज, मेरा चीज किसने हटाया, है ना, तो वो क्या बोलता है, मेरा चीज किसने हटाया, ये अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेडिकल शॉप दूसरे ने यहां नहीं डालना चाहिए, मेरे ऊपर ये अन्याय है, वापस लेकर जाओ ये शॉप, वापस लेकर जाओ ये चीज, वापस लेकर आओ चीज, वापस लाओ मेरे को चीज, हमारा वापस होना चाहिए, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, चीज वापस लेकर आओ, चालू हो गया चिल्लाना। फिर वो क्या होता है, स्निफ एंड स्करी, स्निफ एंड स्करी क्या है, वो जो चूहे रहते हैं वो वहां 2-3 दिन जाते हैं, 2-3 दिन जाते हैं वो, और 2-3 दिन जाते हैं उनको दिखता है कि चीज नहीं है, है ना, तो बोलते कि अभी अपने को और कहीं जाना पड़ेगा, अभी यहां आके फायदा तो है नहीं, यहाँ के फायदा है नहीं, अभी हमको और कहीं जाके ढूंढना पड़ेगा कि अभी खाने की व्यवस्था नहीं हो रही, 3 दिन से भूखे हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों भी अपना अपना जॉगिंग सूट निकालते हैं, शूज निकालते हैं, है ना, और दोनों भी दौड़ते 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 वो मेज में घूमते हैं, इधर उधर घूम जाते हैं, ढूंढते और उनको दोनों को एक जगह बहुत मेहनत करने के बाद में 1-2 दिन के बाद में उनको वो चीज मिल जाता है, और वो खुश हो जाते हैं और वहां खाना चालू कर देते। तो वो उन्होंने क्या किया, वो चूहे थे और चूहे थे तभी भी वो बदल गए, उन्होंने तुरंत अपने में बदलाव लाया, और तुरंत अपने में बदलाव लाके फटाफट उन्होंने नया चीज स्टेशन ढूंढ लिया और वो वहां चले गए। ये जो हेम एंड हा आदमी थे, तो आदमी में देखो अपने आप को, उन्होंने क्या किया था, अपने जूते फेंक दिए थे, जॉगिंग सूट फेंक दिया था, अभी क्या काम है बोले अपने को, कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं अपने को, फेंक दिया था, और फिर वो वहां गए, वहां जाके बैठे, फिर चीज नहीं है, बोले दूसरे किसी ने कांड किया है, हम क्यों बदलना है, हम नहीं बदलेंगे, हमको हमारा चीज वापस लाओ, चिल्लाना चालू किया। वो छुए थे वो चिल्लाए नहीं, वो तुरंत 2-3 दिन के बाद में चालू हो गए और उनको मिल भी गया। ये बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम यहाँ के यहाँ रहेंगे, रोज आते थे रोज जाते थे, उनको चीज मिलता नहीं था। ऐसा बोला जाता है कि डूइंग सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इनसेनिटी। इसका मतलब यह है कि वही चीज आप बार बार करेंगे और ऐसी अपेक्षा करेंगे कि अपने को और कुछ चीज मिलेगा, ये पागलपन है। अरे भाई तुम रोज जा रहे, रोज वहां कुछ नहीं मिल रहा है, अभी तुमको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, मगर वो तुम नया नहीं कर रहे हैं, वो वहीं के वहीं बैठे हैं, चक्कर काट रहे वापस आ रहे हैं, और वो ये नहीं सोच रहे कि अरे दोनों चूहे निकल गए, उनको कहीं ना कहीं खाना मिल गया होगा, अपने को भी बदलना पड़ेगा, ये भाई दोनों भाई लोग बदलने को तैयार नहीं है, वहां के वहीं बैठे। देखो हम भी हमारी जिंदगी में क्या करते हैं, आपको ही देखना है कि आप आपके जिंदगी में क्या करते हो, ठीक है ना। यस
आपको ये समझ में नहीं आता है इसमें कि भाई व्हेन वन डोर क्लोजेस द अदर ओपन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है ये, कि आप इसका ये भी पहले वाली भी और ये दूसरे वाले भी, ये दोनों इसमें आपको आपकी जिंदगी दिखेगी, ये दोनों में आपको आपकी जिंदगी दिखेगी। व्हेन वन डोर क्लोजेस द अदर ओपन्स बट वी आर सो स्टक टू क्लोज डोर दैट वी डोंट सी द ओपन डोर। इसका मतलब यह है कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है, मगर हम पहले वाले बंद दरवाजे को इतने चिपक जाते हैं कि दूसरा दरवाजा खुला है हमको दिखता भी नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी है, दूसरे मौके है, अरे भाई और कहीं चीज मिलेगा चलो वहां देखते हैं, नहीं हमको हमारा चीज यहीं लाओ, यहीं वापस लेके आ जाओ, यहीं हमको होने का है, यहीं हमको हमारा चीज चाहिए, वहीं बैठे हुए हैं। मगर आपको एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, और दूसरा दरवाजा जब खुल जाता है तो तुरंत वो मौके का फायदा उठाना जरूरी है। मगर हम क्या करते हैं, हम वही उसमें अपन देखेंगे, नहीं ये खुल जाएगा ना वहीं बैठेंगे। एक जो बहुत ही मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी एक कांच के ऊपर अपना सिर टकरा रही थी, सिर उसको बाहर जाने का था, मधुमक्खी को उसको लग रहा था कि वो वहां से बाहर जाएंगी, सिर टकरा के मतलब हैरान हो गई, उसको बहुत जख्म भी हो गई होंगी। बाजू में ही दरवाजा खुला था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाजू में दरवाजा खुला है, वहां से बाहर निकल जा, वो वहीं सिर टकरा रही। हम क्या करते अपने लाइफ में देखो, वहीं सिर टकराएंगे, वही काम करेंगे, बाजू में अपॉर्चुनिटी है वो भी हम देखेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं हमको तो यही होना, और वो हेम एंड हॉ वहीं बैठे रहे दो तीन दिन चार दिन पांच दिन जो भी है। तो यहां आपको क्या समझ में आ गया, ये शेयर करके आज का दिन हम समाप्त करते हैं। आपको भी होमवर्क में ये देखना है कि आपको आपके जिंदगी में और कौन से मौके उपलब्ध है कि जहां आप और कोई सोच सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है और अपने लाइफ में, और वह अपॉर्चुनिटी की तरफ हम देख नहीं रहे, तो आपको एक एक अपॉर्चुनिटी दो दो अपॉइंट कम से कम अगले गुरुवार तक देखना है कि कौन सी दो अपॉर्चुनिटीज आपको अपने लाइफ में है, मगर आप अलसीपना होगा, जान दो, करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा सोचते सोचते कर नहीं रहे हो, तो वो आपको देखना है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी कौन सी है, आप कहाँ अटक गए, आपका चीज किसने हटाया, और आपका चीज हटाया तो आप कैसे चिल्ला के बैठे हुए हो और कोई नई एक्शन नहीं ले रहे हो, जबकि नई एक्शन आप ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। तो ये हम यहाँ का आज खत्म करेंगे, कुछ ये लेंगे इंटरेक्शन लेंगे। यस बोलिए ज्ञानेश्वर कल्याणकर, ज्ञानेश्वर अनम्यूट करो बोलो। यस देविंदर धिल्लान बोलिए, देविंदर धिल्लान आपका ऑडियो चालू करो, देविंदर धिल्लान। यस नितिन बर्डे बोला, हमारे दोस्त लोग नितिन बर्डे बोलो। हेलो सर। यस बोलो सर, अभी मैं फार्मासिस्ट। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज आ रही है सर अभी, नहीं क्लियर नहीं आ रही। बोलिए कोशिश करो बोलने की, नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। ठीक है और कोई, एनीबडी एल्स, क्या समझ में आ गया, क्या हुआ? सब नमस्ते ना बोले, यही लिंक है जो लोग पूछ रहे हैं इनको पंकज को, अपना जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसकी लिंक यही है, वो सेक्स वेबिनार है, जिनको सेक्स काउंसलर बनना है, सेक्सोलॉजिस्ट बनना है, सेक्स थेरेपिस्ट बनना है, उनके लिए वो वेबिनार है। तो जिनकी जिनकी इच्छा है वो कंटिन्यू इसके बाद में करेंगे, हम ये कार्यक्रम और थोड़ा इंटरेक्शन लेंगे और बाद में फिर वो कार्यक्रम चालू करेंगे, तो एक दो लोगों को बोलने का मौका देंगे। दविंदर बोलो, दविंदर धिल्लान
बोलिए, आवाज नहीं आ रही देवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है पिछले 7 साल से। नहीं आप सुनने रहे, मैं जो बोल रहा हूँ पेशेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। यस अखिलेश तिवारी जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही तिवारी जी, अखिलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अखिलेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं आ रही आपकी आवाज। खंबाला जयेश, खंबाला बोलिए जयेश, जयेश खंबाला बोले। चलो हाँ हेलो सर। हाँ अच्छा ये मैंने आपसे ये बात जाने की, परिवर्तन जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है, मगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो इम्प्लीमेंट कैसे करूं मैं? बस वही अभी चर्चा करेंगे, कोई चिंता मत, वही चर्चा करेंगे। यस भूषण जी बोलिए, भूषण जी। यस नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बोलिए सर। बस यही है कि लाइफ में अगर कहीं कुछ स्टक हो जाता है, हम रुक जाते हैं, तो सर रुकना नहीं है, अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी है, तो हमें सिर्फ माइंडसेट बदलने की जरूरत है। मतलब रुक के अपनी रफ्तार कम नहीं करनी है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आसपास ही होता है हमारे। yes. और हमारी चीज कोई नहीं हटाएगा, हमें खुद ही बंदोबस्त करना है सर। और आपको भी ये देखना है ये हफ्ते में कि कौन से दो मौके आपके सामने उपलब्ध है और आप उसको देख नहीं रहे। जी है ना, और आप स्टक है कि नहीं, जो चल रहा है वो ठीक है और वहीं आप बैठे हैं खुशी से, और दूसरा दरवाजा खुला है मगर वो खुला दरवाजा आप देख नहीं रहे, है ना, वो भी आप देखो। अब उसमें होगा अलसीपना, उसमें होगा प्रोक्रास्टिनेशन, बाद में करेंगे, कल करेंगे, है ना, तो देखना है सबको। यस अरविंद जी बोलिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर। हाउ आर यू सर? फाइन फाइन। ऐसे हो? अच्छा तो अभी मैं तो ये प्रोग्राम सुना स्टार्ट से। एक मिनट मैं इसके पहले आपके पहले बताना चाहूंगा कि जो लोग नए आए हुए हैं उनको बोल रहा हूँ कि हु मूड माय चीज, यह प्रोग्राम हम 10 सेशन का ले रहे हैं, इसका ये सेकंड सेशन है, आज का सेशन नंबर 2 है। जो लोग नए आए उनके लिए बता रहा हूँ, हर गुरुवार को हर शनिवार को रात को 8:15 होगा, लिंक यही है, और आप उसमें डेफिनेटली आपका लाइफ देखेंगे और आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स आप पाएंगे। डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको रिजल्ट्स पाने का है, रिजल्ट्स लेने के, पाने के, कमाने के, जो भी करना है वो। और हर गुरुवार को शनिवार को, और ये प्रोग्राम में अकेले आना मना है, कम से कम 10 लोगों को लेकर आना है, लिंक यही है, 8:15 गुरुवार को, 8:15 शनिवार को, फ्री कार्यक्रम है। यस बोलिए। यस सर। नहीं एकदम सही बोला है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब और मनीष जी कि आप लोग इतनी सारी सेवा कर रहे हैं और आपका टाइम जो अमूल्य जो टाइम है वो आप सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अभी इसके करीबन 3 महीने से मैं आपके साथ हर प्रोग्राम में जुड़ चुका हूं और हर प्रोग्राम में अटेंड करता हूं और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट मिला है, अच्छा प्रोग्रेस है लाइफ में, और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि ऐसा ही आप करते रहिए, सेवा देते रहिए, हम आपके साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच। यस यस सुहेल खान बोलिए। सुहेल खान अनम्यूट करो। सुहेल खान जी बोलिए। नहीं अनम्यूट नहीं हो रहे। अजीत तड़वी बोलो। अजीत तड़वी यस नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आज ये जो सेशन चालू है हू मूव माय चीज, तो मैं भी काफी सालों से बहुत कंफर्ट जोन में जी रहा हूँ, वही सब कुछ है लेकिन एक कंफर्ट जोन, एक चौकट है, उसके बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो अभी समझ में आया कि जो भी है अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है उसको लेना चाहिए,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। यस, और जो आपके पास में है वो कभी भी गायब हो सकता है। वो चूहे वहां गए, स्निफ एंड करी, देखा गायब, चीज पूरा गायब हो गए। वो हेमंत हॉल है, कोरोना की पीरियड में तो गायब, कोरोना की पीरियड में तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कौन सी चीज कब गायब हो सकती है, इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है वो लेना चाहिए। बस धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यस यस, और बताइए, और किसको बोलना है बोल सकते हैं। रिलेटेड टॉपिक, ये टॉपिक में जिसको रिलेशन है, कादंबिनी, आपको क्या समझ में आ गया? कादंबिनी, यस जी सर, बोलिए सर। वही चीज है, लास्ट जो सेशन था उसमें ये था कि हाँ आराम से कोई चीज मिल गई है और बेफिक्र होकर के हमारी जिंदगी पटरी पर आ गई, ऐसा फील हो रहा था कि हाँ लाइफ टाइम ये चलता रहेगा, बिकॉज वो चीज इतना बड़ा है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट उसी बेफिक्री के कारण उन्होंने काम धंधे करना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया, और जब अगले दिन गए और नेक्स्ट डे बिल्कुल मतलब सारी चीजें पलट गई, सारी कंडीशन ही चेंज हो गई। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो करें तो क्या करें। तो मतलब ये चीज है कि वो तो ठीक है एक स्टोरी है, बट ये चीज है कि अगर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी अदर अपॉर्चुनिटीज पर भी ध्यान देना चाहिए। एक ही वे में हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, साइड साइड से भी हमारे पास काफी सारी चीजें होंगी, तो हमें हर चीज को मैनेज करके एक साथ लेकर के चलना होगा। पता नहीं कब कौन सी चीज हाथ से निकल जाए या फिर कब कौन सी चीज हमको फायदा दे जाए, तो हमें हर चीज को ध्यान में रख करके ही चलना पड़ेगा। Yes. और कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ेगी। अमेरिका में अपने पत्नी को आई लव यू रोज बोलना पड़ता है। अच्छा? और रोज नहीं बोला और पत्नी ने पति को भी आई लव यू बोलना पड़ता है। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, टेकन फॉर कि अपना रहेंगी भाई। तो जिस दिन वो आई लव यू बोलता है बोले मेरा प्यार कम हो गया है, और वो निकल जाती है कि अपना रहना यहाँ ठीक नहीं, अभी प्यार कम हो गया। हम क्या कहते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड है, पत्नी कहाँ जाएंगी, है ना जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, भोला तारकेश्वर, भोला बोलो, भोला हेलो। यस सर, मेरी आवाज आपके पास जा रही है? नहीं, आवाज आ रही है आपके पास, नहीं छोड़ो। यस yes, और कौन शेयर करना करेगा? देखो शेयर जब करते हैं ना तो आपने देखना है कि आपके आसपास में आवाज नहीं आना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए ताकि डिस्टर्ब नहीं होता फिर लोगों, है ना। यस राजेंद्र जी, आपका म्यूट है राजेंद्र, राजेंद्र आप है जो खुले है ना उनके बोलूंगा मैं। यस प्रमिला जी, क्या समझ में आया आपको? यस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, ये समझ में आया सबसे अच्छा। हाँ वेट बढ़ रहा है, ऐसा रिलैक्स रहता है कि नहीं सब फिट है, लेकिन वो बाद में ध्यान में आता है कि नहीं कंफर्ट जोन से निकलना है अभी। हाँ एक दिन फटका बैठेगा फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं अब तो जलता ही नहीं इतना वजन है ना। ये जो किताब थी सर हु मूड माय चीज, तो बहुत मेरे बेटे ने पढ़ी थी तो बोल रहा था कि मम्मी पढ़ना है इसको, तब से मैं मतलब सोच रही थी कि इसको पढ़ना है लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो आपका प्रोग्राम जैसे आया मैसेज तो मेरा चलो पढ़ना नहीं हुआ, तो ये तो मतलब पढ़ने से क्या इतना ध्यान में नहीं आता, जो यहाँ पे डिस्कशन होता है जो आप बताते हो उससे बहुत अच्छा ध्यान में आता है, तो वो जो रियलाइज होता है कि ये ऐसे करना चाहिए पढ़ने, और वो पढ़ने से इतना मतलब क्लियर नहीं होता जितना वो आप जो बताते हो उससे होता है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, वेलकम। यस प्रवीण जी, सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा मेरा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, मतलब मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई के जमाने से 40 साल हो गए हमारे, 40-42 साल हो गए सर। उस जमाने में ऐसे खिले जोड़ते थे, हाथ से खिले जोड़ते थे और मशीन पर छापते थे, तो वो खिले बनाने की जो फैक्ट्री थी सर, प्रकाश टाइप फाउंड्री करके बहुत फेमस थी, वहां पर नंबर लगते थे, वो खिले लेने के लिए नंबर लगाना पड़ता था और बाद में वो टाइप मिलता था, खिले जो रहते थे लीड के वो मिलते थे लाइन से लगने के बाद, और आज तो उसका नामो निशान ही नहीं है सर, वो कंपनी किधर चली गई कुछ मालूम ही नहीं है।
और सर वो वक्त के साथ जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का जो बिजनेस है वो जूनी मशीनें जाके ऑफसेट मशीन आ गए, कंप्यूटर सेटिंग वगैरह आ गए, उन्होंने जिन्होंने चेंज किया वो चल रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो मतलब किधर गए, खत्म ही हो गए, पता ही नहीं किधर चले और क्या चले। सर जो मशीन उस जमाने में प्रिंटिंग मशीन 1 लाख रुपए की आती थी, आज उसको भंगार में बेचना पड़ रहा है, मतलब बेच दिए लोगों ने भंगार में, उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि चेंज एक्सेप्ट करना जरूरी है, बोलने का मतलब है सर। वही हमारे हमारे हाँ परिवर्तन संस्कार का नियम है। यस हमारे एरिया में, हमारे एरिया में बहुत फेमस एक दुकान था और है अभी भी, मैं मेरे बचपन से देख रहा हूँ, तो वहाँ दूध, किराना, सब्जियां, मिठाइयाँ, मतलब सब मिलती थी, इतना चलता था। और आज देखो तो आज वो ऐसे बैठे रहते हैं, दुकान जो था उसका आधा दुकान उन्होंने कर दिया, आधा दुकान निकाल के बेच दिया, दुकान में माल नहीं है और बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने बदला नहीं, जिस जैसा जैसा बदल देगा वैसा बदला नहीं। अभी कोई दूध खुला लाता ही नहीं है, वो दूध खुला बेचते थे, है ना। एक हमारे एरिया में टाइपिंग इंस्टीट्यूट था, नाम लूंगा नहीं मैं, क्योंकि अच्छा नहीं नाम लेना किसी का भी, टाइपिंग इंस्टीट्यूट था। अब टाइपिंग बहुत कम लोग सीखते हैं, धीरे 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 बंद हो गया वो, नहीं तो एक जमाने में उनके यहाँ इतना भीड़ रहती थी, इतनी भीड़ थी, अब कौन टाइपिंग सीखता है, सिर्फ वो कंप्यूटर में लोग अभी टाइप करने के लिए सीखते हैं तो सीखते हैं, नहीं तो टाइपिंग, अभी टाइपिंग मशीन भी नहीं है, अभी कंप्यूटर आ गए। तो जो लोगों ने अपने आप को बदला नहीं, वो नामो निशान नहीं रहा, खत्म हो गए। तो बदलना, ये परिवर्तन होना, परिवर्तन करना है, सृष्टि का नियम है। और हमको पता नहीं आज से 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर बिजनेस में भी हमको ये करना है कि भाई हमारे 5 बिजनेस होना चाहिए, एक बढ़ गया तो दूसरा, दूसरा बढ़ गया तो तीसरा बिजनेस चालू है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो वो एक हो सकता है, और दूसरा एक ही बिजनेस समझो आपका है तो वो अलग अलग राज्यों में होना चाहिए, कहीं राज्य में कहीं स्ट्राइक हो गई, बंद हो गया, है ना, कहीं कुछ हो गया, तो चलो ये स्टेट में चलेगा, ये स्टेट में नहीं वो स्टेट में चलेगा, कहीं ना कहीं तो चलेगा, तो वो हो सकता है। नहीं तो फिर कंट्रीज में होना चाहिए, चलो ये कंट्री में प्रॉब्लम आ गया तो वो कंट्री में जाएगा। अब साला कोरोना ने ऐसा किया कि पूरे दुनिया में प्रॉब्लम कर, है ना, तो ये सब होते रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अगले गुरुवार को और शनिवार को हम मिलेंगे, लिंक यही रहेंगी। हाँ एक मिनट सर, सर मैं बोलना हाँ। चाहता हूँ कि जैसे रिलायंस वाला अंबानी है, पर सर वो इतना बड़ा अंबानी है पर उनका धंधा सब्जी भी मिलती है आज उनके दुकानों में, मतलब रिलायंस मॉल में ताजी सब्जी भी मिलती है, तो उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने चेंज किया, और उनके मल्टी बिजनेस है करके, वो कहीं पर भी एक आधा बिजनेस बंद पड़ गया तो दूसरा उनका चल नहीं वाला है, ये उनको मालूम है, तो उन्होंने मल्टी बिजनेस अलग 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 फील्ड में, जैसे फोन का भी, ये भी, सब 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 करके रखे, तो वो मतलब उन्होंने वही सोए करके रखी है कि भाई मल्टी बिजनेस है, एक आधा बंद भी हुआ तो कोई चलेगा, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। तो सर वो सब्जी बेचने के लिए, आटा बेचने के लिए भी उनको शर्म नहीं आती है, बड़े बड़े मॉल में वो सब्जी मिल रही है आजकल, हाँ ये भी एक बात है सर, बराबर है, धन्यवाद। यस सुशील कुमार गुप्ता लास्ट, चलो एक करते, वीडियो चालू करो सुशील कुमार की, वीडियो और अनम्यूट करो लास्ट। जी सर आवाज टूट रही है, हेलो आवाज टूट रही है आपकी, हेलो हाँ आवाज टूट रही है, चलो हमको कम है समय तो आवाज टूट रही है सुशील कुमार जी आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मन से हृदय से धन्यवाद कि आप सब लोग आए, मेरे से रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम सबको मिलना चाहिए, लोगों का तनाव दूर हो जाएगा और डेफिनेटली लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। और हमारा जो मकसद है कि 750 करोड़ लोगों को नई जिंदगी देना और स्ट्रेस फ्री इंडिया करना, स्ट्रेस फ्री इंडिया, कि जो इंडिया में स्ट्रेस नहीं है, लोगों के तनाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, तो उसमें आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रोग्राम मिलाइएगा ताकि उनके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, उनका रूपांतरण हो जाएगा और एक नई जिंदगी उनको मिल सकती है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले गुरुवार को, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। जो लोगों को अगले प्रोग्राम में आना है वो कंटिन्यू रह सकते हैं इसमें, यस वो कंटिन्यू रह सकते हैं। अगला प्रोग्राम जो है वो है सेक्स काउंसिलर बनिए, सेक्स काउंसिलर कैसे बन सकते हैं आप और खुद अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, सेक्स काउंसिलर बन के अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं आप, तो वो कैसा है, तो वो आप उसके लिए कंटिन्यू करो। तो थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।